हे गाइस, वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम साउंड टेस्ट करेंगे 2.1 जो अपना एम्पलीफायर था 400 वोट में जो बना था, तो इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने वीडियो डाल दी थी इसकी, इसके अंदर क्या क्या था जो भी कुछ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो देख लेना अगर इसके अंदर का माल मामला देखना है तो। बाकी इसकी जो साउंड टेस्टिंग है वो अभी करके दिखाने वाला हूँ, तो कैसी परफॉर्मेंस है वो आपको पता चल जाएगी। और जो भी जैसा भी लगे कमेंट जरूर करना, जैसा भी आपको दिखे कि हाँ परफॉर्मेंस बढ़िया है या जैसी भी है। और अगर एम्पलीफायर बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर उठा लो व्हाट्सएप और मैसेज कर सकते हो मेरे को। तो चलिए इसकी साउंड टेस्टिंग करवाता हूँ। अभी ये एम्पलीफायर ऑन है अपना, ठीक है। बाकी इसके कनेक्शन वनेक्शन मैंने बता दिए थे कि पीछे इसके क्या क्या है। इसके पीछे अपने बनाना कनेक्टर्स हैं, उसके अंदर सब वूफर लगा हुआ है, और जो ये लेफ्ट और राइट के लिए दो स्पीकर लगे हुए हैं। तो स्पीकर यहाँ पे ये छोटे हैं, काफ़ी पावर के हिसाब से काफ़ी छोटे स्पीकर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, देख सकते हो। एक स्पीकर वो है, एक ये है जिनसे स्टीरियो इफेक्ट आएगा, और यहाँ पे है अपना वी सोनिक का सबवूफर। तो सबवूफर अपना लगभग 450 वोट आरएमएस का है, ज़्यादा ही है, 450 से भी मुझे याद नहीं एक्चुअली। तो जो इनक्लोजर है वो बैंड पास है, और इसके अंदर जो इसके कंट्रोल हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मास्टर वॉल्यूम है जो कि स्पीकर्स के लिए रहेगा, और ये है बेस स्पीकर्स के लिए, ये ट्रेबल है, ये मिड है, और ये है बेस जो कि सबवूफर के लिए है, और ये है सबवूफर की वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल हो जाता है सब कुछ आसानी से। बाकी ब्लूटूथ से मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है अभी, तो अभी हम करेंगे सॉन्ग प्ले। तो गाइज ये जो साउंड है ये बहुत ही कम वॉल्यूम पे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ अभी, ठीक है। देख सकते हो एम्पलीफायर में भी बहुत कम साउंड है, वॉल्यूम जो कंट्रोल है इसका बहुत कम खोल रखा है मैंने, और मोबाइल से भी इसकी जो साउंड है वो कम कर रखी है। तो सबवूफर की बेस भी बिल्कुल कम खोल रखी है, आपको दिख रहा हो तो यहाँ से। तो अभी इसके नज़दीक जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप दूर से देख लो, ट्रेबल मिड अच्छी खासी आ रही है, क्योंकि पास जाऊंगा तो फिर मान के चलो कि बेस आपको सुनाई देगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि माइक कैच कर नहीं पाएगा बेस को। देख सकते हो आप काफी तगड़ी बेस आ रही है इसके अंदर से, और बाकी जो स्पीकर्स हैं उनके अंदर से ट्रेबल और मिड है वो भी काफी अच्छी आ रही है। तो देख सकते हो आप कैसी साउंड क्वालिटी है इसकी, ठीक है। तो बाकी मैं एक पंजाबी सॉन्ग आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा एक बार वेट करो। तो गाइज अब मैं एक अपना हरियाणवी सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा सबवूफर पे शुरुआत में ही वो देखना आप लोग एक बार, ठीक है। तो गाइज ये देख लो, मतलब शुरुआत में ही किस तरीके से ये हिल रहा है सब ऊपर। बाकी अभी सॉन्ग प्ले करूँगा, ज़्यादा देर तो नहीं कर पाऊँगा, बट थोड़ा सा करूँगा 10-15 सेकेंड के लिए, क्योंकि कॉपीराइट इशू होता है, पता है आप लोगों को। तो चलिए सुनते हैं गाना। तो देख सकते हो गाइज आप लोग मतलब किस तरीके की परफॉर्मेंस है इसकी। बाकी फुल साउंड इसकी है नहीं अभी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है क्या दिक्कत रहती है। तो पूरी साउंड आप खुद करके देख लेना, जिसको भी जिसके भी पास जाएगा। ये गजानन भाई साहब हैं, एक महाराष्ट्र में जाने वाला है एम्पलीफायर, तो उसके पास से जो भी रिव्यू आएगा वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइज। तो ये थी वीडियो, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।